हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं आपको जंगल दिखाता हूँ। जंगल में आया हूँ। सुबह मैंने गाय जो है उनको खोल के घर से सुबह छोड़ी थी चारे पे, क्योंकि यहाँ जंगल है। अभी किसी का और माल मवेशी जो है वो नहीं आया होता है, तो इसलिए उनको अकेले छोड़ के मैं यहाँ पर आया था। अभी शाम के 6:30-7:30 हो रहे हैं, और देख सकते हैं जहाँ पर अपना चारा चल रही है। अभी दो हैं, एक वहाँ पे आ गए, तीन, और साथ में डॉगी भी आया। गई सुबह सुबह गांव के आगे आगे गई, जो छुड़ी होती है हमने खोल के, उनके आगे आगे चलता है। शाम को जब जाते हैं तो पीछे पीछे आता है, पूरा प्यारा करता है अपना। तो अभी हम इनको लेके चला जाएंगे घर। चल गिरा पछले, ऊपर से आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पे। नीचे लोगों ने अभी घास वगैरह रखी होती है और क्लोजर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी खूबसूरत है। और इस टाइम तो आपको पता ही, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, मगर यहाँ पे थोड़ा भी हवा वगैरह, जंगल अच्छे हैं, तो दैट्स भाई हमें उसके लिए कोई इतना गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता है। मगर फिर भी शहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, क्योंकि वाटर डेफिसिट साइंटिस्टों का जो भी अब अनुमान और एक्सपीरियंस, जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि वाटर डेफिसिट बहुत तेज़ी से हो रहा है इस ज़मीन पे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हम लोग ऐसी धूप की मारामारी में फंस जाएंगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आप सभी से दुआ करते हैं कि अपने पर्यावरण को बचाए रखें, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ, और भी लोगों को कहें, ताकि हमारा जो हवा, हमें जो हवा मिलती है, हमारा जीना जो है वो सही रह सके और सांस ले सकें हम अच्छी तरह से, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, हाँ डॉगी आ गया, डॉगी आ गया नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं। गाय इसको बहुत मारती है ये वाले, तो अभी ये साथ में रहता है, बहुत वफादार है, समझो कितना। हर घर का कुत्ता मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ईमानदार होता है, वो पूरी तरह से रखवाली करता है। भगवान ने इसको बेचारे को भेजा होगा हमारे साथ, कहीं हमारे साथ इसका साथ था, गाय क्या करें। तो अभी वहाँ पे देखो क्या कर रहा है। तो गाइस, कैसा लगा हमारा यहाँ का माहौल, मौसम आपको? तो मौसम आज बहुत तेज़ धूप थी, 38°C यहाँ पे चल रहा है, और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं हमारा जंगल यहाँ का एरिया, विलेजेस कैसा लगा, जहाँ पर गाय और कुत्ते का जो सिस्टम है ना, बड़ा ख़राब है। चलो बुरा डॉगी, ला डॉगी इधर यार, इसका नाम पता नहीं क्या रखा है, लड़कियों ने डाला है कुछ, मुझे तो पता नहीं इसका नाम। ओ आजा इधर, आजा आजा, चल आजा, शाबाश आजा, ला ला ला, डर रहा है मेरे हाथ में सोटी है, लेकिन बहुत नाइस है भाई डॉगी हमारा। चल आगे आगे चलता है यार, गाय गाय के आगे आगे, कभी पीछे दौड़ता है कभी आगे, लेकिन मोस्टली क्या रहता है, आगे ही रहता है, पूरा रास्ता बताता है गाय को। जे वाली गाय ना, ये तो मारती है इसको दबाड़ दबाड़ के, खेलता भी है इसके साथ, तो वो उतना ही उसको दुखी करती है। काफ़ी खूबसूरत सुंदर एरिया है हमारा। यहाँ पे नीचे लोगों के घर हैं, जो आपको टेनी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के गांव के लोग अपनी लाइफ को जीते हैं। सभी लोगों का माल मवेशी इस तरह के दबड़ में आ जाता है, और फिर आगे का काम जो है जारी रहता है। तो मिलते हैं हम आपसे, चलें विलेज दिखाता हूँ, यहाँ से रोड वगैरह निकल रहा है। ये यहाँ पे हमारा गांव में, ये देख सकते हैं, ये सारा गांव है हमारा। मेरा घर यहाँ से दिखता नहीं है, आगे पेड़ है बड़े बड़े, और ये हमारा विलेज बहुत नीचे तक है। तो गाइस, ये है हमारा गांव, यहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे स्कूल भी है नीचे, लास्ट में जो नीचे दिख रहा है आपको। हम घर पहुंच गए, यहाँ पे लूट बैठी है। क्या बात, दो दो करके वो बन बाहर। हमने गोबर की लपाई कर दी है यहाँ पे, अब कणक जो है उसको रखा जाएगा, उसके ऊपर बैल को जोता जाएगा, फिर कणक निकाली जाती है
और कुछ हमने निकाल के रखी है यहाँ पे। तो अभी हो गया बहुत सारा। वो कंजी कितने कर रहा है सर, क्या कर रहा है, क्या बना चावल और आलू की सब्जी, एक आलू ये दस्त। पनीर। अच्छा आलू भून के खा रही है, और यहाँ पे देसी चूल्हे में चावल और क्या बनाया, आलू की सब्जी बन गई है। यहाँ पे हमारे बाबा देवनाग का ये स्थान है, यहाँ पे अभी वर्कल का जो स्टार्ट हो चुका है। यार होने लगा था और टकन टकन अभी मैं जा रहा हूँ देखना धान की खेती में, वहाँ पे पानी लगाया हुआ है और बैल वगैरह जोते हैं, अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। चल ठीक है फिर। हाँ नहीं पता है टकन नहीं लगा था नहीं क्या ढका और डब्बे है। चल ठीक है तो भी दो ठीक है शामी जाओ ना। देखो नहीं तो अभी हम जा रही है ऊपर गायें हैं उनके पास, तो मैं जा रहा हूँ धान की खेत में, डैडी ने धान जो। चल ठीक है जा रही हूँ। ठीक है शाम को आना ठीक तू आ जाना। नहीं हाँ तू आ जा यार, मैं नहीं आना नहीं मैं तो जाना नहीं बट मेरी तुम्हें चली जाए। मैं हूँ मैं नहीं आऊँ मेरे पास कुछ मेरे को पूछना है। आया चल ठीक है फिर। मेरे पहले टपर टपर कर दूँगा ना थोड़ा पे तो यार में लेट हो गया। तो जहाँ पे कणक जो हमने निकाली है उसका जो वो बोलते हैं इसको, यहाँ पे रखा हुआ है देख सकते हैं, धूप इतनी तेज है गाइस। और अभी मैं ले चलता हूँ आपको धान की खेत में। फाइनली ये हाल बना रखा है हमने, और इसको थोड़ा बना दिया है इस खेत को। अब हमने बैल को जो खोल दिया है यहाँ पे, अब इनको थोड़ा यहाँ पे घास वगैरह चराएंगे, फिर ले जाएंगे घर। दोपहर को थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद जो नीचे वाला बचा है नेक्स्ट उसकी कार्रवाई होगी। तो चलो अब चलते हैं घर इनको लेके। अब इनको भूख बड़ी लगी होगी ना, धूप भी है। चलो शुरू हो गया जंग इनका। क्या कर रही बरसाती है मारा भी उस बाद कुछ होने मारा। अच्छा।